थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ 20 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, तो इस ब्लॉग में मैं कंटिन्यू करके दूंगी आपको, लेकिन पूरा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ सर। देखे जी मना लिया है जो आपसे शेयर कर दी। ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, कांदे के पकौड़े बना रही और इंशाल्लाह देखती हूँ दादी उसके कला बना दी, अगर हो सके तो उसके मैं से बैठी हुई जा रही थी तब मैं बना ली, क्योंकि घर से इस तारीख तक की भी तबीयत नहीं अच्छी है, मेरी तो उससे घर से मनाई होती है कुछ नहीं जाता था, लेकिन मेरे बाबू की भी तबीयत नहीं अच्छी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तो बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, अभी नए नए ब्लॉग चालू करे हैं, अभी हमको नहीं पता कि हमारे ब्लॉग किसको पसंद आते हैं, कैसे ब्लॉग चाहिए, अगर हमारे से कुछ गलती हो गई रहेंगी मुझसे तो मुझे माफ़ करिएगा और मैं कोशिश करूँगी अपनी गलती को सुधारने की इंशाल्लाह। एक चम्मच मैंने ये देखिए मैंने आलू के
आलू के भजिए के लिए बेसन, उसमें 2-3 हरी मिर्च कर, हरी मिर्च काट के डाली चॉप कर बारीक बारीक, हल्दी और नमक डाली बस। बटाटे को मैंने स्लाइसर पे काट के उसे नमक में रखी थी, नमक के पानी में। अभी देखो तेल भी हो चुका है माशाल्लाह गरम। अभी मैं डाल के दिखाती आपको, सबने दिखाऊंगी, 2-3 डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी इफ्तारी को लेट हो रहा है और आलू के भी पकोड़े बनाने हैं। बिस्मिल्ला, इसी तरह से सब आलू में फ्राई करके ले लूंगी। अब थोड़े क्रिस्पी बनते हैं ये, पर नमक के पानी में रखे तो, और थोड़ा सा उसमें ना हम चाहिए तो कॉर्नफ्लावर पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पाउडर अट्टा रहता है ना, थोड़ा सा ज़रा सा 1 स्पून, क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं फिर बच्चे। मैंने इसमें सोडा में ज़रा भी नहीं, मैंने कांदा जो रखी थी ना नमक में डाल के काट कर, वो मैंने नमक के पानी से निकाल ली हूँ निचोड़ कर। इसमें कोतम्बिल डाली हूँ, हरा धनिया और 2 हरी मिर्ची डाली हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जाएंगी, लाल मसाला, हल्दी पाउडर, अभी बताती हूँ आपको। गर्मियों में ना कोतम्बिर ये हो जाती है, बताइए ना। अरे वो ना ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कांदे में नमक डाले थे ना। हल्का सा लाल मसाला, ये हमने जो मसाला बना के लाए ना वो मसाला है, होममेड। होममेड मीन्स घर में ना पीसा ही चक्की पे, पर घर का मसाला है। हल्दी जाएंगी, अच्छा जीरा जाएगा, गरम मसाले पाउडर जाएंगे 1 चुटकी, ये हमने घर में पीसे कल धनिया पाउडर, आपको बताई थी ना मैंने, ये मैंने धनिया पाउडर घर में बनाई होममेड। मैं चम्मच के अंदाजे से नहीं डाली हूँ, हमें ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने, ये तो आपको ऐसा लगे तो आप 2 टीस्पून डाल सकते हो। ओके, देखो लाइट है अभी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, हल्की डालनी है ज़्यादा नहीं। कॉर्नफ्लावर ये वाला है ना, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ थोड़ा सा क्रिस्पी बनने के लिए। भजिए देखो, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा बेसन चाहिए, बेसन तो है वो बटाटे का जो था ना, वो डालना और डालना। अरे को अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ।
इसी तरह हम लोग सब फ्राई करके ले लेंगे। अब फ्राई करने के बाद बताती हूँ आपको कैसे बने हैं। तो गाइस ये देखो हो गई हमारी इफ्तारी रेडी। अरे भाई हमने बनाए घर में, ये मुझे मेरी बहन रहती है ना कज़िन, उसने भेजी है इफ्तारी। जहाँ पे पहले हम रहते थे ना MIDC में, वहाँ से वाई तो आपको मिला होगी ज़रूर है उससे। ये उन्हीं की इधर से आई है। और ये है हमारा घर का छोटा बाबू भोपला। भोपले इधर बेटा, मम्म खाया इधर आ बाबू इधर आ। आगे भी येलो बल्ब जले ले दिख रहे हैं वीडियो में, वैसा छोटा फ्लैश चल रही ना बाबू। हो गई हमारी नमाज, इफ्तारी भी हो गई, नमाज भी हो गई, मगरिब की अभी इशा का वक्त हो रहा है। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।